बार चल दुनिया नहीं है बबल। अरे वाह 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 भाई कमाल हो गया आज तो, इत्तेफाक से चाय हमसे बहुत अच्छी बन गई। हाँ 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 आज तो जॉजी बेगम की तबीयत खुश हो जाएगी चाय पी के। जॉजी बेगम, जॉजी बेगम चाय तैयार है, नोश कीजिए और फिर फरमाइएगा नाश्ते में क्या क्या आइटम बनाने हैं। हम आ रहे हैं। अरे मुस्तकीम साहब गुड मॉर्निंग। खबरदार ये जोजी बेगम का कप है, इसको हाथ नहीं लगाना। लेकिन जोजी बाजी तो यहाँ बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दे रही भाई, इसीलिए हम भी परेशान हैं। बहुत देर से हम आवाजें दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ चली गई, वो आई नहीं रही। ओ भाई आप कौन सा 1960 में रह रहे हैं यार, उनके मोबाइल पे फोन कर ले। भाई सुभान अल्लाह वाह 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 क्या कमाल आइडिया दिया आपने, हम अभी फोन किए लेते हैं। जोजी बेगम, अरे भाई जोजी बेगम तो फोन ही नहीं उठा रही। अरे यार क्यों टेंशन ले रहे हैं मुस्तकीम साहब, कहीं आस पड़ोस में गई होंगी दूध पत्ती चीनी वगैरह मांगने। भाई ये सब चीजें तो हम सुबह सुबह मांग के ले आए थे, जाने हमारी जोजी बेगम कहाँ चली गई। ओ भाई किसी रिश्तेदार की तरफ चली गई होंगी, रिश्तेदारों को फोन कर लें। अरे कहीं भी नहीं है जोजी बेगम। नबील मियां कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नीचे तशरीफ लाए हैं और वो ऊपर चली गई। ओ भाई ऊपर कैसे जाएंगी, जिस कदर रात झगड़ा हुआ है खवातीन के बीच में, आपका ख्याल है वो ऊपर जाएंगी। भाई कुछ भी हो हम अपने इत्मीनान के लिए एक बार देखें तो सही कि क्या हुआ। जरूर जाइए जाइए। मिस्री कल तूने कोची को बड़ी टैट सुनाई है, मान से मजा आ गया। गलती उनकी थी माँ जी, मुझे भी गुस्सा आ गया बस। और कल जोजी बिचारी का मुंह इतना सा हो गया था रोने वाला। आप ज्यादा उस चुड़ैल की वो ना करें। अरे भाई मैं तो सिर्फ एक ही चुड़ैल से मोहब्बत करता हूँ। कौन है वो चुड़ैल? अरे तो तुम हो मेरी जान। जोजी बेगम अरे जोजी बेगम आप कहाँ हैं? अरे वो यहाँ क्यों आएंगी अब? आज मीला ने कोची को धमकी दी थी कि अब अगर वो ऊपर आकर इसको तंग करेगी ना तो जमील उसको देख लेगा। जमील नहीं नबील कहा था माजी, और मैंने तो वैसे ही कह दिया था। जोजी बेगम कहीं दिखाई नहीं दे रही। ओए मेरा मुस्तकीम अंधा हो गया। अरे तुम्हारा मुस्तकीम मैं हूँ भाई। अरे भाई जोजी बेगम आप कहाँ चली गई हो? जोजी बेगम ऐसे जहाँ कहाँ सकती है ये जोजी आंटी, हो सकता है हमसे डर के कहीं चली गई हो। अरे क्या हो गया, 20 का नोट है, मैंने कहा कि यार चलो मैं उठा लेता हूँ, नीचे ही तो पड़ा था। ला हौल विला कुव्वता इल्ला बिल्ला, हम चाय की बात कर रहे हैं चाय की। अच्छा यार रख देता हूँ, वैसे ये तो रख सकता हूँ ना। अरे नबील मियां आखिर कल वाली लड़ाई का इंतकाम ले लिया ना आपने जोजी बेगम से। मैंने क्या किया मुस्तकीम साहब, मैं तो सब कुछ भूल भुला के आपके साथ बैठ के चाय पी रहा था। यही तो, ये जो मुजरिम होता है ना हमेशा वारदात के बाद नॉर्मल दिखाई देने की कोशिश करता है, उन्हीं में से एक आप है। ये क्या कह रहे हैं मुस्तकीम साहब, मुझे लगता है आपने कुछ सस्ता किस्म का ना जासूसी नावल पढ़ा है। आप भूल गए नबील मियां, लेकिन हम नहीं भूले। आपकी जाजा मोहतरमा ने कहा था कि हमारे शौहर नामदार आपको देख लेंगे और आपने देख लिया। अब सच सच एक बात बताइएगा, आपने जोजी बेगम को अगवा किया है या काम तमाम कर दिया, हमारा मतलब है कत्ल कर दिया। तो मुस्तकीम साहब क्या हो गया आपको, मैं तो खुशी खुशी आपके साथ चाय पीने आया था और खूबसूरत ने तो ऐसे ही गुफ्तगु में धमकी दे दी थी। वैसे अगर आपने कुछ नहीं किया तो कहाँ गई हमारी जोजी बेगम? अरे यार उनको फोन कर ले दोबारा। यार फोन ही किया था ना, फोन बंद मिल रहा है। भाई हमें तो लगता है आपने ये वारदात करने के बाद उनका फोन भी बंद करके समंदर में फेंक दिया। भाई ये बार बार आप केस मुझ पे क्यों डाल रहे हैं, मैं तो लड़ाई में था ही नहीं। आप नहीं थे चलो ये तो मान लिया, मगर आपकी जौजा मोहतरमा, आपकी वालिदा मोहतरमा और वो कुशादा मुंह वाले महमूद साहब तो वहाँ मौजूद थे, इन्हीं में से किसी ने लिया होगा इंतकाम। ओ यार मुस्तकीम साहब क्या हो गया यार, हौसले से काम ले, कंट्रोल करें प्लीज कंट्रोल करें। नहीं कंट्रोल नहीं करेंगे, हम पुलिस को फोन करेंगे। क्या मतलब आपका? अभी बताते हैं। नहीं मुस्तकीम साहब प्लीज कंट्रोल करें, ना करें ये ना करें प्लीज। हेलो बट साहब, बट साहब
प्रसाद पुलिस 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 ने मुसा मुझ मारे छापा पुलिस 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 सब नकदी और जेवर छुपा ले पुलिस आ रही है। माँ जी पुलिस आई है, चोर नहीं आए। ओ पुत्र एक कोई गल है। अरे लेकिन पुलिस आ क्यों रही है भाई? ओ यार मुस्तकीम साहब ने भट्ट साहब को फोन करके बुला लिया है, उन्हें ये शक है कि मैंने जो जीबाजी को कुछ किया है। अच्छा तो पुलिस तुम्हारे लिए आ रही है। ये तो पैर में खाने के लिए क्या बनवाया है तुमने? अरे यार बड़ी घटिया हरकत कर रहे हैं आप। पुलिस आ रही है, तफ्तीश तो सबसे होगी ना भाई। पुलिस की तफ्तीश के दायरे में तो हम सब आते हैं ना। उनको ये शक है कि जोजी बाजी को हमने अगवा कर लिया। ओए अगवा क्यों किया? सीधा सीधा बटन करना था उसका। ओ माँ जी खुदा का आपको वास्ता यार, मैंने कुछ नहीं किया यार। पर साहब के सामने कोई ऐसी चीज ना बोल दीजिएगा फजूल में यार। चलो तो मैं एहतियातन पापा जी से 50-60 लाख रुपया मंगवा। 50-60 लाख क्यों? अरे जानू जब तुम जेल जाओगी तो वकील भी तो महंगे से महंगा करना पड़ेगा, और फिर बट साहब को भी तो कुछ खिलाना पड़ेगा ना भाई। मैं क्यों जेल जाऊंगी नबील? शक तो तुम पे है ना उनको। बेसौरत, तुम्हें क्या जरूरत थी जोजी बाजी को ये कहने की कि तुम्हारा शौहर से देख लेगा? तुम्हारा शौहर एक शरीफ आदमी है यार, नेक है और दो नंबर कामों से दूर रहता है, धोखाधड़ी से दूर रहता है यार। तुम्हें पता नहीं ये सारी बातें, फिर भी तुमने ये बोल दिया। शट अप नबील, जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो क्यों डरे हम? और नहीं तो क्या, जमीला के पापा तो वैसे हम सबको शिकागो भिजवा देंगे। अरे तुम्हें पता भी है कि शिकागो है कहाँ? हाँ जी, लोधरा से अगला स्टेशन जो है वो शिकागो लगता है। आधा बस करते हैं बस। अच्छा हुआ कि आप फौरन ही आ गए। ओ यार आ तो गया हूँ, लेकिन ये बताओ खाना बन गया? खाना कैसा खाना? ओ भाई इतनी इमरजेंसी में बुलाया, मैंने समझा कोई दावत आवत होगी। ओ भाई दावत इसी बात पे तो होती है कि बीवी गायब है, और मेरी बीवी तो कहीं जाती नहीं है कि मैं दावत कर सकूं। पर साहब आप समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी बेगम घर पे नहीं है, अड़ोस पड़ोस में भी नहीं है, और तो और रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं है, और फोन उनका मुसलसल बंद जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना भट्ट साहब? मैं सब समझ गया हूँ। क्या ये के पार्टी का माहौल है बिल्कुल? अरे भट्ट साहब आप समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी बेगम गायब है। हमें तो शक है कि ये ऊपर वालों की साजिश है, उन्होंने कोई काम दिखाया। क्या मतलब जी? मतलब ये कि कल रात ऊपर वालों से हमारी बेगम साहिबा की धुआंधार लड़ाई हुई और सुबह से वो गायब है। बात बात मैं सब समझ गया हूँ, बाकी बातें अंदर चाय पे होंगी। यानी ये तय पा गया कि आप चाय पिए बगैर टलेंगे नहीं। आइए तशरीफ लाइए, आइए पर सब तशरीफ लाइए, आ जाए प्लीज, आइए आ जाए तशरीफ रखिए। अब मेरी बात गौर से सुन। जी जी। 4 चम्मच चीनी और दूध ज्यादा, और यार काली चाय नहीं पी जाती मुझसे जी। ओ बल्कि एक काम करो, पानी डालो ही मत, दूध में ही पका लो चाय को। अरे भाई हमारी बेगम गुम हो गई और आपको चाय की पड़ी हुई है, पहले तफ्तीश तो कर रहे भट्ट साहब खुदा के लिए। अच्छा भाई बता मुझे सारी बात। कल रात जोजी बेगम की खौफनाक लड़ाई हुई ऊपर, बात हाथापाई तक पहुंच गई, और जो सौजा है ना नबील साहब की, उन्होंने उन्हें धमकी दी और कहा हाँ हाँ कि नबील उसे देख लेगा। जी बिल्कुल यही कहा था उन्होंने, खुदा आपको जिंदगी दे किसी ना किसी तरह। बस तो फिर तफ्तीश शुरू करते हैं। ये बताओ 50-60 हजार रुपए रखे होंगे ना आपके पास? 50-60 हजार वो क्यों भाई? वही इतना खर्चा तो लग जाता है ना तफ्तीश में, हो सकता है कि लाहौर और इस्लामाबाद भी चक्कर लग जाए। अरे भट्ट साहब जोजी बेगम यहाँ से गायब हुई और आप इस्लामाबाद पहुँच गए। ओ यार तुम्हें नहीं पता तफ्तीश हर तरफ होती है, हो सकता है कि उन्होंने जोजी बेगम को मारकर लाश लाहौर भेज दी हो, या फिर जोजी बेगम खुद भागकर इस्लामाबाद मरी चली गई हो, जाना तो पड़ सकता है ना। ओहो भट्ट साहब पहले ऊपर वालों से तो बात कर ले। अच्छा अच्छा चलो आइए तशरीफ लाइए, आइए। आइए 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 भट्ट साहब, ये बताएं कि चाय पियेंगे ठंडा पियेंगे या कच्ची लस्सी पियेंगे? आप मेरे ख्याल से 8-10 आलू के परौंठे भी बना देती हूँ। हाँ माँ जी पराठों के साथ अचार भी हो जाए। भट्ट साहब आप शायद भूल रहे हैं कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। किस लिए आए हो भाई? जोजी बेगम के लिए, और किस लिए? हाँ भाई सच सच बता दो जोजी बेगम कहाँ है, सारे कमरों की तलाशी दो। भट्ट साहब अगर हमने उन्हें छुपाना होता तो अपने कमरों में तो हरगिज ना छुपाते। देखा मुजरिम खुद बोल पड़ा है, बताओ फिर कहाँ छुपाया? भट्ट साहब हमने कुछ नहीं किया भाई, आप हमें जानते तो हैं यार। अरे भाई मुस्तकीम साहब ने कंप्लेंट की है तुम लोगों की,
अब तुम लोगों पर पर्चा होगा अगवा और कत्ल दोनों का। अरे बरसा को खुदा का खौफ करें यार, 14 साल से आप बुलबुले में आ रहे हैं, आप तो हमें बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं ना कि हम कितने शरीफ लोग हैं। और बस कर दो, प्रोफेशनल किस्म के वारदाती हो तुम लोग, वो तो तुम लोग अगले एपिसोड का आसरा देते हो तो मैं छोड़ देता हूँ तुमको, वरना कब का टांग दिया होता। बट साहब आप मुझे तो जानते हैं ना, मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ, यू कैन ट्रस्ट मी। बट साहब ट्रस्ट मी की बच्ची, तूने तो कल उसको धमकियां दी थी। बस बस बस, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब जो भी बोलेगा तफ्तीश में बोलेगा। अभी थोड़ी देर में मैं तुम सबसे तफ्तीश करूंगा, समझे? चलो जी आइए बट साहब। मैं समझ तफ्तीश में क्या होता है। अरे मुझे क्या पता, मैं तो तफ्तीश देता आ रहा हूँ। भाई बट साहब माफ फरमाइएगा, आपकी ये जो तफ्तीश है ये बड़ी होम्योपैथ किस्म की है। भाई यार तुम्हें पता नहीं है तफ्तीश इसी तरह होती है। खैर इस बात को छोड़ो, ये ऊपर वाले तो बड़े तेज तरार हैं। खैर उनसे तो मैं तफ्तीश कर ही लूंगा। आप ये बताओ कि इस घर में उनके अलावा और कौन कौन से लोग रेगुलर आते हैं? कौन कौन आता है? बट साहब एक तो हमारे यहाँ धोबी आता है, एक दूध वाला आता है, और एक हमारी पड़ोसन है जिनकी आज तक बनी नहीं जोजी बेगम के साथ। बस 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 एक काम करो, इन तीनों को बुला लो फोन करके। इन तीनों का क्या ताल्लुक, झगड़ा तो ऊपर वालों से हुआ। यार आप खुद कर ले तफ्तीश, बचा पुलिस वाले। अरे बट साहब आप तो बुरा मना गए, हमने तो ऐसे मजाक में पूछा था, हालांकि हमें आपकी तफ्तीश पे पूरा भरोसा है, 15 साल से आपके एक फूल में इजाफा नहीं हुआ। हम अभी फोन किए लेते हैं, अभी करते हैं फोन। यार जब तक मैं बाहर जाके केस को अच्छी तरह स्टडी करता हूँ, गर्मा गर्म चाय भिजवा दो, और यार ऐसा करो कि साथ में नाश्ता भी बनवा लो, खाली पेट दिमाग नहीं चलता। जी जरा सा तवक्को फरमाइए, हम आपके लिए नाश्ता और चाय लेकर अभी हाजिर होते हैं, आधा वर्ष करते हैं। हाँ भाई चोरों का टोला आ गया। बट साहब हमने कुछ नहीं किया, आप खामखा मुस्तकीम साहब की बातों में आ रहे हैं। हाँ जज साहब हमारे सामने तो यास्मीन ने कुछ नहीं किया, पीछे से अगर गुंडे भेज के उसको अगवा करवाया हो तो वो नहीं मालूम हमें। माजी मैंने कुछ नहीं किया। अरे बट साहब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मुस्तकीम साहब ने खुद उनका कत्ल कर दिया हो। उसकी तो अपनी जान निकलती है बीवी से। यही तो बट साहब, यही तो बरसों जोजी बेगम का जुल्म बर्दाश्त करते करते थक गए होंगे मुस्तकीम साहब। कल रात के झगड़े के बाद उन्हें फील हुआ होगा कि अगर वो आज रात उनका काम तमाम कर दें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे तो आपके भाई ने केस तो आपका सॉल्व कर दिया, मुस्तकीम साहब जो है वो मुजरिम है। कैसा होशाबोशे, मेरा पुत्र कितना ज़हीन है, माशाल्लाह से। लव यू। थैंक यू बाजी, थैंक यू। और फिर भी दिल नहीं मानता के मुस्तकीम जैसा बंदा ये कर सकता। चले वो हो सकता है उन्होंने कत्ल ना किया हो, लेकिन बट साहब ये भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने जोजी बेगम को सेल्फ डिफेंस में मार दिया हो। हाँ ये हो सकता है, इसका मतलब है कि मुस्तकीम साहब से अलग से तफ्तीश करनी पड़ेगी। बट साहब आपके हुक्म के ऐन मुताबिक हमने सबको फोन कर दिए तफ्तीश वालों को। शाबाश, अब तुमसे भी अलग से तफ्तीश होगी। हमसे? हमसे क्यों, हम ही ने तो कंप्लेंट कराई है। अरे तफ्तीश का यही तो उसूल है कि तफ्तीश वहीं से शुरू होगी जहाँ से कंप्लेंट आई है। होगा जरा मेरे नाल। लो भाई आओ जरा तफ्तीश। हाँ चले चले चले। हाँ भाई शादी को कितना अरसा हुआ? पर सब लगभग 25 साल तो हो गए। बच्चे कितने? 2 बच्चे। इसके बाद क्यों नहीं हुए? क्या मतलब, पर साहब फैमिली प्लानिंग भी तो कोई चीज है। अच्छा कभी जोजी बेगम के सिवा किसी और पे दिल आया? ये कैसा सवाल है बट साहब? अरे बताओ ना भाई, कभी कभी बंदा दिल के हाथों मजबूर होकर बैंक ही जाता है। जी एक बार हमें भी मोहब्बत होते होते रह गई थी क्योंकि जोजी बेगम को पता चल गया था ना। अच्छा अगर जोजी बेगम अब नहीं आती है तो दोबारा ट्राई कर सकते हो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए? अजी ट्राई करने में क्या हर्ज है, इंसान को ढीठ होना चाहिए। घटिया आदमी, अपनी मोहब्बत हासिल करने के चक्कर में बीवी का खून कर दिया तूने। अरे जनाब हमने कुछ नहीं किया, ये तो आप ही बातों को इधर उधर घुमा रहे हैं। ओए मुझे तो लगता है कि कत्ल करने के बाद तूने जोजी की लाश इसी लॉन में दफना दी हो। लाहौल विला हुआ था इल्ला बिल्ला। पर साहब ये घास देख रहे हैं आप, रातों रात तो हम ये घास दोबारा नहीं उगा सकते। देखिए ये जो ऊपर वाले हैं ना, निहायत ही शातिर किस्म के लोग हैं, ये तफ्तीश का रुख हमारी तरफ मोड़ना चाहते हैं। अच्छा देखिए ना, आपने अभी तक उनसे ढंग से तफ्तीश शुरू ही नहीं की। हाँ यार मुझे ना सिखाओ,
मैं कर रहा हूँ तफ्तीश अपने हिसाब से। लगता है दूध वाला आ गया। अच्छा फिर एक काम करो, लस्सी ना नमकीन रखना। और साहब आपको गलत फहमी हो रही है, वो दूध देने नहीं, वो तफ्तीश करवाने आया है। अच्छा तो चलो फिर आइए, चलो इधर से आइए। अरे भाई ये बट साहब है, बट साहब। बाबा मैं समझ गया सर, आपको दूध चाहिए, 240 रुपए लीटर दूंगा, और हुक्म करें सर। अबे अंधा हो गया क्या, देख नहीं रहा वो पुलिस वाले, तू भावताव कर रहा दूध कहीं से? सर आप 10-20 रुपए कम दे देना, इससे ज्यादा कम नहीं होगा सर। ओए एक काम कर, 200 में डन कर बस। डन डन है सर, डन है। बट साहब, बट साहब आप यहाँ दूध का भावताव करने नहीं आए, आप तफ्तीश करने आए हैं, जहन पे जोर डालिए। यार मुझे ना सिखाए मुस्तकीम साहब। हाँ भाई तू बता, सुबह दूध देने आया था? आया था ना साहब, किसी ने दरवाजा भी नहीं खोला। इसका मतलब है कि वो कल तक तो घर पे ही थी। क्यों अब नहीं है, कहाँ गई है? ओए सवाल मैं करूँगा, जवाब तूने देना है। ये बता कि जोजी बेगम ने कभी तुझे बुरा भला कहा था? सर वो तो आए दिन कोसती थी मेरी, पैसों को भी बदवाएं देती थी सर। सर बोलती थी कि पानी वाला दूध लाता है, और पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दिया सर। सर 3-3 महीने पैसे भी नहीं देती थी सर। अच्छा तो फिर तो तुझे बड़ा गुस्सा आता होगा उन पर। सब आता तो बहुत था गुस्सा, पर सर ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे? क्योंकि जोजी बेगम का कत्ल हुआ। कत्ल? कत्ल? सब बड़ा अफसोस हुआ। अच्छा अच्छा चल तू अब जा, लेकिन शहर से बाहर ना जाना, और जब बुलाऊ ना सब काम छोड़ के आना है तूने। ठीक है साहब, ठीक है ठीक है। और यार आप तो हौसला करें, अभी कत्ल साबित कहाँ हुआ है, अभी तो घर वालों से भी तफ्तीश करनी है। अच्छा चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हाँ भाई मैं जो कुछ भी पूछूंगा ना सच सच जवाब देना है तुम लोगों ने। सुन लिया जानू, अगर तुमने गुस्से में आके कत्ल कर भी दिया है तो कोई मसला नहीं है, तुमने मान लेना है, बादशाह बचा ले। शट अप नबील, मैंने कुछ नहीं किया है। पर धमकी तो तुम ही ने दी थी ना। वो तो गलती से गुस्से में निकल गया था मुंह से भट साहब, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं लोगों का मर्डर करती फिरूंगी। और अगर मुझे किसी का मर्डर करना ही होता तो नबील का करती ना पहले। हाँ ये बात भी ठीक है, तो तुम लोगों को किस पे शक है? देखिए भट साहब है तो वो मेरा सौतेला बाप, लेकिन ये घटिया काम उसके अलावा कोई कर नहीं सकता। इंतहाई लालची इंसान है, पैसों की लालच में ये मर्डर यकीनन उसी शख्स ने किया है। तफ्तीश कर। ठीक है तुम दोनों अंदर जाओ, और माँ जी और महमूद को मेरे पास भेजो। जी बेहतर भट साहब, आओ जानू आओ। महमूद साहब, महमूद साहब। हाँ भाई अब बताओ तुम दोनों। बट साहब क्या बताऊं, बड़ा जालिम आदमी है ये, गर्मियों में 2 लान के सूट भी नहीं लेके दिए। जब मैंने फरमाइश की कि दूध की ठंडी बोतल ला के दे, तो थैली में ना रेड़ी से जूस लेकर आया स्ट्रॉ डाल के। अरे मोमो ये क्या बोलते जा रही हो तुम? चुप है, मैं जट साहब को आपका असली वो दिखा रही हूँ। और जट नहीं बट माँ जी, बट। हाँ मैं बट को जट दिखा रही हूँ। और माँ जी वो अलग बात है, मैं इस वक्त जोजी के कत्ल केस की तफ्तीश कर रहा हूँ, उसके बारे में बताओ मुझे। ये सारा कसूर तबस्सुम का है। कौन तबस्सुम? अरे बट साहब ये खूबसूरत की बात कर रही है। हाँ जी ये सारा झगड़ा ना उस मीसनी का है, मैं तो बीच में जाके बच बचाओ कराया तो बचत हो गई, नहीं तो उसने वही मार देना था उसको। भाई बट साहब मुझे तो लगता है कि ये खूबसूरत ने ना खुद कत्ल नहीं किया बल्कि नबील से करवाया है। और नबील को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं बट साहब, अरे 150 लेके उसने जोजी जी का खून कर दिया होगा। बट साहब, बट साहब धोबी आ गया, धोबी। अच्छा चलो आइए। अरे मोमो अब ये बट साहब की वर्दियां भी यहाँ धुलेंगी क्या? साहब साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब। अच्छा गरीब आदमी कत्ल नहीं करता क्या? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, और पिछले हफ्ते तो जोजी बेगम ने इसको जीप भर के जलील किया था। वो तो हर महीने जलील करती सर, पैसे देते हुए। हाँ तो तूने सोचा कि जोजी बेगम का इस बार काम तमाम कर दो? नहीं नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। अरे बट साहब हमें लगता है पड़ोसन आ गई हमारी। अच्छा तू एक काम कर, तू निकल, लेकिन याद रख जब बुलाऊं तूने आना है, केस क्लोज नहीं हुआ अभी। ठीक है साहब, शुक्रिया। बट साहब ये फरमाइए कि आपको क्या लगता है इनमें से किसने खून किया होगा हमारी प्यारी चोची का? और यार तफ्तीश तो मुकम्मल होने दो अभी। जी अच्छा आइए तशरीफ रखिए। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। ये हमारी पड़ोसन है। ये जोजी बेगम से कैसे ताल्लुकात है आपके? कैसे होने थे जी, बहुत ही बुरे थे,
मेरा बस चले ना तो मुंह नोच लूं उसका। वो तो मुस्तकीम साहब ने बुलाया तो मैं चली आई, वरना तो मैं कभी भी ना आती। इसका मतलब कभी मौका मिला तो आप उसका कत्ल भी कर सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, कत्ल तो नहीं, लेकिन हाथ पैर जरूर तोड़ना चाहूंगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो बंदा हाथ पांव तोड़ सकता है वो कत्ल भी कर सकता है। लेकिन ये सब कुछ आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जोजी बेगम का कत्ल जो हो गया है। हाय मेरी प्यारी बहन जोजी, तुझे भी मेरी उम्र लग जाती, किस घटिया इंसान ने मेरी बहन का कत्ल कर दिया। बहन? हाँ जी, मैं तो अपनी सगी बहनों से भी ज्यादा अजीज समझती थी उसे। लेकिन जहाँ तक हमें याद है, आप दोनों तो जंगली बिल्लियों की तरह लड़ा करती थी। वो तो जी सगी बहनें भी आपस में लड़ती हैं, हमारा तो बहुत ही गहरा प्यार था। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे अपनी जोजी बहन के लिए हंस दुआ भी करनी है। अल्लाह मियां उसके कातिलों का बड़ा गरक करे। यार इसको तो कोई बात छोड़ के आओ, आइए हमारे साथ तशरीफ लाइए, आइए प्लीज, हम आपको छोड़ के आते हैं। बल्कि हमारा तो जी चाह रहा है इनको बोरी में बंद करके किसी नहर में डाल के आए। आइए प्लीज आइए। कातिल का कुछ पता चला? बस पता चलने ही वाला है, बाहर के सारे लोग बेगुनाह मैंने तफ्तीश कर लिया है। ये काम तुम ही लोगों का है और तुम लोगों ने मानना नहीं, इसलिए तुम लोगों पर 3rd degree इस्तेमाल करनी पड़ेगी। चलो ना। अरे जोजी बेगम का गला मैंने दबाया था, और मैंने ना जोजी बाजी के पेट में छुरी मारी थी। क्या ये अननोन कॉल कोई आई हुई है? बट साहब स्पीकर पे डालो, स्पीकर पे। हेलो, कौन बोल रहा है? ओए कौन कौन क्या लगा रखा है, जोजी गल कर रही हूँ। अरे जोजी बेगम, आप जिंदा हैं? हमें तो खुशी हो रही है आपके जिंदा होने की, लेकिन ये लोग तो कहते कि इन्होंने आपको मार दिया। ओए बकवास बंद करो, मेरी गल सुनो। सुबह सुबह ही मैं पीनो चाची के घर आ गई थी, सवेरे सवेरे उनका अशफाक चाचा से बहुत ही पैड़ा कोई झगड़ा हुआ है। हाय हाय, तलाक देने वाले थे, अभी तलाक देने वाले थे कि मैं पहुंच गई। वो तो रब का शुक्र है मैंने सुलह करा दी। अरे ये सब तो ठीक है जोजी बेगम, लेकिन आपका फोन बंद मिल रहा था। वो तो कार से निकलते गन पैंट पे मेरा मोबाइल छीन लिया था, बेड़ा गरक ही हो जाए इन चोरों डाकुओं का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी मैं कुछ दिन इधर ही रहूंगी। और हाँ, कार का जरा चंगी तरह ख्याल रखना। जी जी जोजी बेगम, जो आपका हुक्म। भाई नबील मियां और महमूद साहब, हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन हम आपको माफ करना नहीं चाहते। महमूद साहब, हम इसको 4th degree देंगे जी। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चल,